हेलो ऑल एंड वेलकम टू स्टडी ट्रेंच। आज के हमारे धमाकेदार न्यूज के पिटारे में है रिलेटेड टू इंडिया एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया देन इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ मोस्ट कंसर्न। तो इंडिया से रिलेटेड ये न्यूज है कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, उसके अंदर इंडिया के 6 प्लेसेस को टेंटेटिव लिस्ट में अभी ऐड किया गया। टेंटेटिव यानी कि हाल फिलहाल की लिस्ट में। दिस लिस्ट इज नॉट एट ऑल फाइनल, ओके। फिलहाल इस लिस्ट में 6 इंडियन प्लेसेस को ऐड किया गया है टू कम इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो लेट्स सी व्हाट्स द न्यूज ऑल अबाउट। देखो गाइस, सीन क्या है कि ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आने के इसमें चांसेस हो सकते हैं, और इसको अगर आप कल्चरल बेसिस पे देखें तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं। तो प्लीज़ पे अटेंशन। देखिए इसमें है क्या कि इंडिया ने टोटल जो है टोटल 9 साइट्स जो है रिकमेंड किए थे, और इन 9 साइट्स में से सिर्फ 6 साइट्स को ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, ओके। सिर्फ 6 साइट्स को इस टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है आउट ऑफ 9। याद रहे गाइस कि इसको ऐड किया गया है, इट हैज नॉट येट बीन डिक्लेयर्ड। एडिशन और डिक्लेरेशन में फर्क होता है। डिक्लेरेशन हमेशा ऑफिशियल बेसिस पे होता है, और एडिशन यानी कि सिर्फ बताया गया है कि हमने इसको अभी सेलेक्ट किया है, अभी फाइनल आउट नहीं हुआ है। ऑलराइट, और एक्चुअली ये लिस्ट डिक्लेयर कैसे होती है कि एक्चुअली इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये पूरे लिस्ट बनाती है इंडिया के बेसिस पे, और जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं वो उसका लिस्ट बना करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के जो मिनिस्टर है मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, इनको वो लिस्ट प्रोवाइड करती है। फिर ये जो लिस्ट है ये हैंड ओवर करते हैं लेटर ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, ओके। तो पहले जाता है ASI में, ओके। ASI के बाद जाएगा हमारा मिनिस्ट्री में, ये सेकंड स्टेप है, और मिनिस्ट्री के बाद थर्ड स्टेप में जाएगा हमारा यूनेस्को में। ऑलराइट, तो ये 3 स्टेजेस के बाद जाने के बाद, और जब यूनेस्को पास कर देगा तब जाकर के वो फाइनली डिक्लेयर होता है। तो फाइनली ये हमारा अहम मुद्दा। अब आप लोग की क्यूरियोसिटी हो रही हो कि वो ऐसे कौन से साइट्स हैं जो फिलहाल लिस्ट में ऐड किए गए हैं, क्योंकि अगर लिस्ट में ऐड किए गए तो हो सकता है ये लिस्ट फाइनल आउट भी हो जाए, तो आपको ये लिस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो हियर कम्स द होल लिस्ट। ये है टोटल 6 साइट्स। सबसे पहला है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, हायर बंगाल मेगालिथिक साइट इन कर्नाटका, भेड़ाघाट साइट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। ये साइट की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साइट है। अगर आप नहीं गए हो देन प्लीज़ डू विजिट दिस साइट। और द वेरी ओन एंड द वेरी फेमस गंगा घाट इन वाराणसी, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम, एंड द लास्ट वन सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। तो ये टाइगर रिजर्व आपको याद करना पड़ेगा, ओके। और इसके साथ साथ जो आपको एक क्वेश्चन, जो आपका अपकमिंग क्वेश्चन या बर्निंग क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, वो ये है कि लास्ट कौन सी साइट थी या लास्ट साइट किस स्टेट की थी इंडिया की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुई थी। देन प्लीज डू रिमेम्बर जो लास्ट साइट थी वो राजस्थान की थी। राजस्थान में कहाँ? जयपुर की, ओके, जयपुर की साइट थी। ऑलराइट, ये था आपका इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये मैप के थ्रू हम पॉइंट आउट करने की कोशिश किए गए हैं कि जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, टोटल इस मैप में आपका प्लेस आउट कर दिया गया है, ठीक है। और जो बात ध्यान देने वाली है इसमें, जो टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम है, कि कांचीपुरम के टेम्पल्स क्यों हाईलाइट किया गया है, क्योंकि आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा जो साउथ की टेम्पल्स हैं वो द्राविड स्टाइल में फ्रेम आउट की गई हैं, और जो नॉर्थ की टेम्पल्स हैं वो नगर स्टाइल में फ्रेम आउट की गई है। इस वजह से जो द्राविड स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा ही बारीक और बहुत ही ज़्यादा मिनिएचर कटिंग्स के साथ फ्रेम आउट हुआ है, इसलिए यहाँ के टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ऑलराइट, सो ये मैप है, मैप के थ्रू आप प्लीज़ एक बार चले जाइएगा, और मैप में आपको नज़र आ जाएगा कि जितने भी हाईलाइटेड प्लेसेस हैं ये सब आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई हैं। ऑलराइट, सो जाते जाते हम लोग देखेंगे कुछ यूनेस्को के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ है? पेरिस। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस। और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितने हैं? याद रखने वाली चीज़ है कि 38 हैं टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स,
और हालांकि इंडिया जो है टॉप में नहीं है वर्ल्ड का के मामले में अगर देखा जाए, ये सिक्स्थ प्लेस में आता है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक सिक्स्थ आता है। और टॉप में कौन सी कंट्री आती है? इटली एंड चाइना। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर्ल्ड में कहाँ पे है, तो वो है इटली और चाइना। और इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है, तो वो होंगी 38। ओके, और ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई, देन गाइस प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन माई सेक्शन। तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।